एस जूनियर सर्टिफिकेट असिस्टेंट, आपका टाइपिंग टेस्ट का एग्जाम 12 और 13 दिसंबर को लगा हुआ है। ऐसे में आप सभी स्टूडेंट्स टाइपिंग कर रहे होंगे, बाकी अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन अभी 19 दिन का टाइम बचा हुआ है। इन 19 दिनों में किस तरीके से आपको प्रिपरेशन रखनी है जिससे आपकी टाइपिंग फाइनली क्वालिफाई हो जाए, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। साथ ही कौन कौन से कीबोर्ड में आपको प्रैक्टिस करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि हर कीबोर्ड का अलग फॉर्मेट रहता है, किसी में की छोटी होती है, किसी में बड़ी होती है, किसी में बैक स्पेस छोटा होता है, बड़ा होता है, क्या क्या चीजें आपकी टाइपिंग में रहती है सारी चीजें बताऊंगा। बैक स्पेस अलाउ है या नहीं अलाउ है, हर एक चीज। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स, आप सभी के पास 19 दिन बचे हुए हैं। अब इन 19 दिनों में आपको टोटल दिन में 6 घंटे तो टाइपिंग में देने ही देने। अब किस तरीके से टाइपिंग करनी है वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से आप सभी सुनिएगा। देखिए करना क्या है आपको, सबसे पहले कि आपको डेली 6 घंटे बैठना है और उन 6 घंटों में आपको लगभग 4.5 घंटे जो आपको देने हैं वो आपको अपनी टाइपिंग पे देने कि आप लगातार टाइपिंग कर रहे हो, और जो 1.5 घंटे का समय है वो आपको 10-10 मिनट की टाइपिंग करके आपको करना है। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या किया, मैं मॉर्निंग में उठा, मॉर्निंग में मैंने सोचा कि यार 2 घंटे मॉर्निंग में मैं करूंगा, 2 घंटे मैं नून में करूंगा, 2 घंटे नाइट में मैं करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं बैठा, मैंने क्या किया कि लगभग 50 मिनट जो है लगातार ऐसे देख देख के मैंने टाइपिंग कर ली। ठीक है, मैंने टाइपिंग कर रहा हूँ बुक से, ठीक है, बुक से आप टाइपिंग कर रहे हो, ठीक है। फिर क्या किया, बुक से आपकी टाइपिंग हो गई, 50 मिनट हो गए, फिर क्या हुआ, थोड़ी देर उठे, फिर अपना टहल ले लिया, पानी नहीं पी लिया, फिर इसके बाद क्या हुआ, 10-15 मिनट रेस्ट करके फिर हमने क्या किया, 10-10 मिनट के 3 सेट मैंने लगाए, और तीनों सेट जो थे वो ऑनलाइन देख के आपके टाइप करने वाले थे। ठीक है, ऑनलाइन कई बार आप आजकल ऑनलाइन टाइपिंग भी आपको अवेलेबल हो जाती है, आप टाइप करिएगा तो वहां पर कहीं ना कहीं आपने लगाई। और कौन सी टाइपिंग आपने लगाई, जो बड़े वर्ड्स वाले पैसेज थे उनको आपने लगाया, ठीक है। तो ये 3 आपने कर लिए, तो 30 मिनट ये हो गया, और बाकी कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए आपने दिन में 1.5 घंटे की टाइपिंग करी, ऐसे दोपहर में करना है, ऐसे शाम को करना है। तो इस तरीके से अगर आप 19 दिन करोगे तो सबसे पहली चीज कि आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है, जो आप 50 मिनट टाइपिंग करो उससे आपकी टाइपिंग की स्पीड इंप्रूव होगी। दूसरा, जो आप सेट लगा रहे हो उससे आपका प्रेशर हैंडल होगा, और किस किस तरीके से आपको वर्ड्स अगर लंबे भी आ जाते तो किस तरीके से आपको लिखना है, क्या क्या चीजों को किस तरीके से करना है, ऑलरेडी अपने आप ही एनालिसिस आपका माइंड जो है वो आप सभी का कर लेगा। अब यहाँ पर जब एक चीज ध्यान रखना कि जब आप टाइप कर रहे हो, जब आप ऑनलाइन टाइपिंग कर रहे हो, सेट लगा रहे हो 10-10 मिनट वाले, तो उनमें आपके आसपास कोई होना नहीं चाहिए। आप ये सोचो कि आप एग्जाम हॉल में कर रहे हो, और ये जो स्ट्रेटजी है ये आपको आगे आने वाले 15 दिन में आपको करनी है। अब लास्ट के 4 दिनों में क्या करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी 15 दिनों में आपको ये सारी जो भी स्ट्रेटजी मैंने बताई आपको दोहरानी। अब यहाँ पे लास्ट 4 दिनों में क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट 4 दिनों में क्या करना है कि जब आप ये टाइप कर रहे होगे तब आप ऐसे इन्वायरमेंट में टाइप करना है कि वहाँ पे शोर हो रहा हो या गाने बज रहे हो, क्योंकि गाने जब बजते हैं ना तो दिमाग से दिमाग का डिस्ट्रैक्शन आपका क्रिएट होता है, या कोई अगर आपको बगल में खड़े होकर आके ऐसे देख रहा है और आपकी टाइपिंग को देख रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर एक अलग से प्रेशर क्रिएट करती है। तो आगे आने वाले जो लास्ट के 4 दिन बचेंगे उनमें आपको ये चीज़ें करनी होगी, आपको प्रेशर हैंडल करना है, ठीक है। तो आप अपने घर वालों को बता देना मैं जब टाइप करूँ तो आके मेरे को देख लेना, तो वो चीज आपके दिमाग में जब प्रेशर क्रिएट करेंगे ना तो यही एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद मैं आपको अगर बताऊं तो कौन सा कीबोर्ड आपका लगेगा, तो कीबोर्ड में आपको क्या रहता है, जो एशर के आते हैं, एचपी के आते हैं, और आपका इंटेक्स के आते हैं, और इसके अलावा आपका कई जगह पे आपका देखा गया है कि लॉगिटेक के तो आपको बहुत कम देखे जाएंगे, लेकिन एशर, एचपी और इसके बाद आपका भी जो मैंने बताया इंटेक्स, ये तीन की तीन तीन से चार कीबोर्ड जो लोकल मेन लोकली मतलब जो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ये कीबोर्ड्स आपको वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो मेनली इसी पर ही आप कोशिश करिएगा प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करने की, ठीक है। और कई सारे एग्जाम सेंटर्स भी मैंने ये देखा है, जब मैं टाइपिंग ले जाता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर बैक स्पेस आपका अलाउड है, आपका स्पेस अलाउड है, और कहीं ना कहीं आप चाहो अगर आपका जल्दी पैसेज कंप्लीट हो गया तो आप दोबारा उस पैसेज को रिपीट भी कर सकते हो, जिससे आप अपनी एक्यूरेसी जो है वो आप अपनी इंक्रीज कर सकते हो। तो ये अलग से आपको इंस्ट्रक्शन जो है वो आप सभी को अलग से आ जाएंगे। हालांकि ये लास्ट ईयर जब NVS का एग्जाम हुआ था तब भी यही सेम इंस्ट्रक्शन ही थे, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि आपकी जो टाइपिंग थी वो आपको पेपर टू आपका स्क्रीन मोड पेपर टू कंप्यूटर थी, लेकिन अब क्या है कि आपका स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग जो है वो आप सभी की NVS में कराई जाएगी। तो इस तरीके से जो आपके टाइपिंग से डाउट रिलेटेड डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर दिया। अगर आपको यह जानकारी वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो, @सरकारी नौकरी वाले बाबा इंस्टाग्राम पर टाइप करना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाकर ज्वाइन कर लेना। ऑल द बेस्ट।